नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज सभी के लिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नर्सिंग अभिक्षमता। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ की, सीजीबीएससी जिसे हम कहते हैं, सीजीबीएससी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है 2024 के लिए। आज से ये आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये आज आपका पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लिख देना CGBSC 9753749986। ठीक है, तो आज से आपका छत्तीसगढ़ बीएससी का नर्सिंग अभिक्षमता के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपकी एग्ज़ाम जो आने वाली है वो जून से पहले हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके पास बचे हैं 4 से 5 महीने। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जिनको भी अभी से तैयारी करनी है वो अभी से तैयारी कर लेना, क्योंकि हर साल एग्जाम आती है और टाइम नहीं मिलता है। तो इस बार आपको अभी से टाइम है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 4 महीने हैं अभी, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा मानव रोग का कारण बैक्टीरिया से होता है। मानव रोग का कारण जो बैक्टीरिया से होगा कौन सा होगा, तो आप सभी को पता है आंत्र ज्वर जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा रोग कोरोना वायरस से संबंधित है। कोरोना वायरस से कौन सा रोग संबंधित है, मर्स, सार्स, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना वायरस से जो संबंधित हैं वो हो जाएगा मर्स और सार्स, ये दोनों कोरोना वायरस से संबंधित है। कौन स्वास्थ्य का निर्धारक है। स्वास्थ्य वातावरण, वजन, स्वभाव या उसकी जगह, बताइए स्वास्थ्य का निर्धारक कौन सा है। वातावरण। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बच्चों का पोषण दशा का नाप के निम्न तीन मानवीय सूत्र सूचकांक जो है वो कौन से हैं। लिखा हुआ है बच्चों का पोषण दशा का नाप के निम्न तीन मानवीय सूत्र सूचकांक जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो नाटपन, निर्बलता और कम वजन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समुदाय उन्मुख देखभाल का टूल या औजार जो है वो क्या है। समुदाय उन्मुख देखभाल का औजार जो है वो कौन सा हो जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया। किस दिनांक को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु, रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु जो हो जाएगा केशुरिकी शरीर, कौन सा हो जाएगा, केशुरिकी शरीर, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। प्रणाली जो शरीर के अंगों को रक्षा और सहारा देती हैं वो क्या कहलाती है, ये ओल्ड पेपर है, अभी जस्ट इस महीने पूछा हुआ था ना, 2022 का ओल्ड पेपर है। वेरी वेरी गुड, 8वें नंबर का बिल्कुल बी वाला आ जाएगा, तंत्रिका प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, दो तरफ से संचार का दूसरा नाम क्या है। दो तरफ से संचार का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर शैली, क्या है, प्रश्नोत्तर शैली। निम्न में से जिसकी अधिक उपस्थिति होने से बच्चों के दांत में सड़न पैदा होती, जिसकी अधिक उपस्थिति होने से बच्चों के दांत में सड़न पैदा होती, फ्लोराइड, फ्लोराइड। जन स्वास्थ्य के आयाम जो हैं वो कौन से हैं, जन स्वास्थ्य के आयाम जो हैं वो कौन से हो जाएंगे, जन स्वास्थ्य के आयाम जो होंगे वो कौन से होंगे, तो वो होंगे स्वास्थ्य का प्रचार करना, रोग का प्रतिरक्षण करना, पुनर्वास करना, यह सभी। कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौन सा हो जाएगा, तो प्रजनन क्षम उम्र के युगल। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अधिकांश इंट्रा क्रेनियम हेमरेज अधिकांशतः कैसे होते हैं, अधिकांशतः इंट्रा क्रेनियम हेमरेज नक्सीर जो होते हैं अधिकांशतः कैसे होंगे, बेसल गैंग्लिया के होंगे, कैसे होंगे, बेसल गैंग्लिया के होंगे। अपने व्यवहार और भावनाओं को समझने की क्षमता को आप क्या कहते हो, अपने व्यवहार और भावनाओं के समझने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं अंतर्दृष्टि, क्या कहलाती हैं, अपने व्यवहार और भावनाओं को समझने की क्षमता, जिसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है,
कुपोषण में कौन शामिल नहीं है, कुपोषण में कौन शामिल नहीं है, वाह, कुपोषण में कौन शामिल नहीं है, तो बिल्कुल प्रोटीन। कुपोषण में अपर्याप्त पोषक तत्वों का उपभोग, पोषक तत्वों का अधिक उपभोग, पोषक तत्वों का असीमित खपत, ऑप्शन आपका डी वाला, ये प्रोटीन के संतृप्ति में शामिल नहीं है। भारत में COVID-19 के दूसरे चरण का टीका कब शुरू किया गया था, 19 के दूसरे चरण का टीका कब शुरू किया गया था, 2021 में कब शुरू किया गया था, मार्च 2021 में शुरू किया गया था। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना। जलने के बाद प्राथमिक चिकित्सा किस पर निर्भर करती है, जलने के बाद प्राथमिक चिकित्सा किस पर निर्भर करेगी, त्वचा की क्षति की गहराई पर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में किस वर्ष से कार्यान्वित की गई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 19 नंबर का 2002। अगला क्वेश्चन है, किस रक्षात्मक क्रियाविधि में चिंता शारीरिक लक्षण के द्वारा प्रकट की जाती है, तो परिवर्तन के द्वारा। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी CGBSE नर्सिंग एग्ज़ाम में ऐड होना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।